क्या आप सब जानते हैं कि तेलंगाना का काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर अब विश्व धरोहर में शामिल हो गया है। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह मिली है। रामप्पा मंदिर के नाम से भी पहचाना जाने वाला ये मंदिर 800 साल पुराना है। हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। बता दें कि वारंगल के पास मुलुगु जिले के पालमपेट में स्थित ये शिव मंदिर एक लौता ऐसा मंदिर है जिसका नाम इसके शिल्पकार रामप्पा के नाम पर रखा गया है। इतिहास के अनुसार काकतीय वंश के राजा ने इस मंदिर का निर्माण 13वीं सदी में करवाया था। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस काल में बने ज्यादातर मंदिर खंडर में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन कई आपदाओं के बाद भी इस मंदिर को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा है। ये मंदिर हजार खम्भों से बना हुआ है। बता दें कि रामप्पा मंदिर को 13वीं शताब्दी की इंजीनियरिंग का चमत्कार भी माना जाता है। सरकार की ओर से वर्ष 2019 में एकमात्र नामांकन के रूप में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किए जाने के लिए प्रस्तावित किया गया था, जिसके बाद ये अद्भुत मंदिर यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में पहचाने जाने लगा। मंदिर का निर्माण 1213 ईस्वी में काकतीय साम्राज्य के शासनकाल में काकतीय राजा गणपति देव के एक सेनापति रैचारला रुद्र ने कराया था। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और मंदिर के देवता रामलिंगेश्वर स्वामी हैं। कहा जाता है कि 40 वर्षों तक मंदिर निर्माण करने वाले एक मूर्तिकार के नाम पर इसे रामप्पा मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। काकतियों के मंदिर परिसरों की विशिष्ट शैली, तकनीक और सजावट काकतीय मूर्तिकला के प्रभाव को प्रदर्शित करती है। रामप्पा मंदिर इसकी अभिव्यक्ति है और बार बार काकतियों की रचनात्मक प्रतिभा का प्रमाण प्रस्तुत करती है। मंदिर 6 फुट ऊंचे तारे जैसे मंच पर खड़ा है, जिसमें दीवारों, स्तंभों और छतों पर जटिल नक्काशी से सजावट की गई है, जो काकतीय मूर्तिकारों के अद्वितीय कौशल को प्रमाणित करती है। हर शिवरात्रि को सावन के महीने में यहाँ काफी श्रद्धालु पहुंचकर भगवान शंकर की आराधना करके उनसे मनचाहा वर मांगते हैं। तेलंगाना के साथ साथ इस मंदिर की देश भर में बहुत मान्यता है, जिसके कारण यहाँ पूरे साल हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं।